हर एक्सलेंसी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी नमस्कार। विजय दिवस अनेक अनेक अभिनंदन और पौष पार्वण शुभेच्छा। आज सारी दुनिया वर्चुअल समिट्स कर रही है, लेकिन आपके और मेरे लिए ये माध्यम नया नहीं है। कई वर्षों से हम वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, कई बार हमने वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट को लॉन्च और इनॉग्रेट भी किया है। एक्सलेंसी विजय दिवस के तुरंत बाद आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है। एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब बांग्लादेश आजादी के 49 वर्ष मना रहा है, मैं दोनों देशों के शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करी। ये चार विजय मशाल पूरे भारत में भ्रमण करेगी और हमारे शहीदों के गांव गांव ले जाई जाएगी। 16 दिसंबर से हम स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे हैं, जिसमें भारत भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक्सलेंसी, मुजीब वर्षों के अवसर पर मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको बधाई देता हूं। अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके साथ बंगबंधु को श्रद्धांजलि अर्पित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। एक्सलेंसी, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। यह बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण यह वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन संतोष का विषय है कि इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा, चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो। वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेष साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है। लैंड बॉर्डर ट्रेड में बाधाओं को हमने कम किया, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार किया, नए साधनों को जोड़ा। यह सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है। एक्सलेंसी, मुझे चिरंतर बंगबंधु का संदेश
इटर्नल है और इसी भाव से हम भी उनकी लीगेसी का सम्मान करते हैं। आपके उत्तम नेतृत्व में बंगबंधु की लीगेसी स्पष्ट रूप से झलकती है। साथ ही हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए आपकी निजी प्रतिबद्धता भी स्पष्ट है। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि आज आपके साथ बंगबंधु के सम्मान में एक डाक टिकट का विमोचन और बापू और बंगबंधु के ऊपर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि बापू और बंगबंधु की प्रदर्शनी हमारे युवाओं को प्रेरणा देगी। इसमें एक विशेष सेक्शन कस्तूरबा गांधी जी और पूजनीय बोंगो माता जी को भी डेडिकेट किया गया है। एक्सेलेंसी, अब मैं आपके ओपनिंग रिमार्क्स आमंत्रित करना चाहूंगा। Your Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, distinguished members of the Indian delegation. Assalamu alaikum, good morning, namaskar. I thank you for your kind words of appreciation. I'm happy to meet you again, particularly on this month of victory. December evokes in all Bangladeshis the spirit of joy, freedom and celebration. As we recall with deep gratitude our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose dynamic leadership we earned our great independence. I pay deep homage to the 3 million martyrs who laid down their lives. I pay tribute to members of the Indian Armed Forces martyred in the war. And to their families. I pay my gratitude to the government and the people of India who extended their wholehearted support for the cause of our liberation. Excellency, today is a special day for me. 17 December. This was the day when the Pakistani forces my mother, my sister, my brother, we were all incarcerated. Colonel Ashok Tara, who was a major at that time, on the morning of 17 December, he freed us from the hands of the Pakistani forces. December 16, Bangladesh was free, but we were free on 7th of December. I express my gratitude to the Colonel, to the people of India, to the Mukti Bahini. We were free on that day. Only my sister Rihanna, Joy and myself, we are alive today. Honorable Prime Minister, India is our true friend.
In October 2019, at the Grand Hyderabad House in New Delhi, we met last, and I recall the wonderful hospitality you extended. We have spoken in between over video conference a number of times in between. Much has changed since then. The world has witnessed an upheaval, and mankind's ability to counter the unknown has been put to the test. Millions of lives have been lost, livelihoods destroyed, economies slowed down, societies disrupted. Perhaps the most stark manifestation of the COVID-19 pandemic is that people-to-people contacts have been forced to a standstill. Our hopes to welcome you in Dhaka earlier this year could not be fulfilled. Yet, I commend the manner in which concerned authorities on both sides have taken forward our bilateral cooperation during these trying times as per directives of our last summit. Throughout 2020, we have witnessed a number of initiatives such as trade through rail routes, high-level visits and meetings, capacity building initiatives, the first trial run of Indian cargo from Kolkata to northeast of India, and of course, cooperation on COVID-19. I must commend you, Excellency, for the manner in which your government has countered COVID-19 in one of the world's most affected and populated zones. Apart from your healthcare packages, the economic packages introduced under your initiative of Atmanirbhar Bharat is admirable. We believe India will play an even more important role in the global economy through your policies taken. In Bangladesh also, we have introduced stimulus packages to the tune of $14.14 billion to offset the economic and social impacts of the pandemic. We have expanded social safety net coverage, providing assistance to more than 25 million people since detection of the virus in early March. Extensive measures have been put in place to contain the second wave of the pandemic. As a result, our economy has sustained an upward growth trend despite widespread disruptions in the international supply chain and decline in consumer demand. We happily recognize the growing dependency of the economies of Bangladesh and India. A good number of Indian nationals are employed in the manufacturing and service sector of Bangladesh and are remittance earners for India. On the other hand, India receives its highest number of tourists and medical patients from Bangladesh. I believe both our countries can move up the global and regional value chains by further integrating our economies, taking advantage of available synergies. Our ongoing connectivity initiatives are catalysts in this regard. A prime example is the resumption of Chilahati-Holdibari rail link, which we will inaugurate today. Honorable Prime Minister, our relations have embarked on a landmark moment. Bangladesh is on the verge of celebrating 50 years as an independent nation. Bangladesh and India are also stepping into the 50th year of establishment of diplomatic relations. Further, we are celebrating the 100th birth anniversary of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Just a few months ago,
we concluded celebrations of the 150th birth anniversary of your father of the nation, Mahatma Gandhi. In Bangladesh, we released a special postal stamp as a mark of tribute to Bapuji. I understand today we will be inaugurating a stamp issued by the Postal Department of India in honor of Bangabandhu. I convey my sincere gratitude to you and your government for so spontaneously coming together to mark these important occasions with joint celebrations. We have chalked out joint programs throughout the coming year in cities worldwide to commemorate our inseparable linkages in Bangladesh's liberation war of 1971. The crowning glory of our joint commemoration would be your presence in Dhaka for the celebrations on 26th March 2021. I thank you.